बहुत सारे लोगों को अभी जो है, क्योंकि डिजिटल जो दुनिया आई है, इसमें अपने भविष्य को जानने की ललक जो है हाँ वो शुरू में है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी बढ़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपने भविष्य को थोड़ा जानना चाहते हैं, उनको लेकर के कि किन किन मामलों में ज्योतिष की तरफ देखना चाहिए और कहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए आम लोगों को, ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बताऊंगा ज्योतिषी के पास आप जाइए तो याद रखिए ECMCPID, ECMCPID एजुकेशन मैरिज करियर मैरिज मैरिज चिल्ड्रन प्रॉपर्टी चिल्ड्रन इलनेस डेथ, ECMCPID ये पूछने के लिए आप ज्योतिष के पास जाएंगे। अच्छा ज्योतिषी होगा, आपको आराम से बताएगा। सो इसके यदि अलावा आध्यात्म मत पूछे ज्योतिष से, वो तो महात्मा के पास जाइए। संसारी प्रश्न पूछना है ज्योतिष के पास जाइए, ECMCPID। तो एजुकेशन करियर मैरिज एजुकेशन कैरियर मैरिज चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इलनेस डेथ। जी सर, तो एजुकेशन करियर और मैरिज ये एक तरीके से युवा वर्ग के लिए ज्यादा चिंता का या ज्यादा इंटरेस्ट का विषय हो जाता है। और यही हम लोग बताते भी हैं, जी इसी में सर, रिसर्च भी करते हैं इसी में। तो अब आज के दिन का युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया पर बहुत है, और सोशल मीडिया पे एक तरीके से या तो ढोंगी बाबा बोल सकते हैं, या फिर जिनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, या फिर वो बस पैसे कमाने के लिए किसी भी तरीके से ऐंठ लें, तो इससे युवा कैसे बचें? आखिर क्या वो सर? ये बचने इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ठग तो हर जगह है, हर सर फील्ड में है, यहाँ भी ठग आ गए सर तो कैसे पहुंचा देंगे आप? जी, ठग से तो बचना कैसा ये मैं नहीं जानता। अच्छा सर, तो ऐसे में लेकिन जो जो भारतीय विद्या भवन इनके लिए जो जिन तरह के टीचर्स हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं और जो रिसर्च करा रहे हैं, उसमें आपने कैसे ये सिस्टम सेटअप किया है कि इनकी युवाओं की इन रिक्वायरमेंट्स को आपके पढ़ाए हुए जो शिक्षक हैं, जो शोध किए हुए छात्र छात्रा हैं, वो बाकी लोगों से अच्छे तरीके से कैसे इसको कर पाते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान या फिर इनका जो है बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, क्योंकि सर? कंटिन्यूअसली रिसर्च हो रहा है, आपस में तर्क होता है, डिबेट होता है, हमारे सेमिनार होते हैं, सेमिनार में प्रेजेंटेशन होता है। इसकी वजह से क्या है, तर्क वितर्क करते 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 एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना भी आ जाता है। अच्छा, सो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च सुन के बड़ा अटपटा सा लगता है सर, कहीं ना कहीं आखिर ऐसे रिसर्च में क्या होता है यहाँ पर आशा है कि ज्योतिष की किताबें लिखी गई सर? मध्यकालीन युग में या उसके पहले। जी सर, अब आज के जमाने में क्या है, सब बदल गया, 5 साल की उम्र में शादी तो होती नहीं है। पुराने जी, बाल ग्रंथ विवाह, 5 साल की उम्र में शादी का भी दिया है। जी पुराने ग्रंथों में बहुत सी बातें दी जो आजकल अप्लाई नहीं होती हैं। जी तो वहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेके उसको मॉडर्नाइज करना है। ये काम हम लोग बहुत कर रहे हैं भारतीय उद्यान में। भारतीय उद्यान के पढ़े लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ये बड़ी बात कही सर आपने, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स। जी सर, तो इनका जब ये तर्क करते हैं, जब ये डिबेट करते हैं, जब ये सेमिनार करते हैं, तो कैसे क्या इनका थीम रहता है? क्या ये कंटेम्पररी इश्यूज को खींचते हैं? अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं। सैटरडे संडे को पूरा सेमिनार होता है जी सर, कॉन्वोकेशन के दिनों में,
और बाकी क्लास में डिस्कशन होता रहता है। इसकी वजह से क्या है कि टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा है जी। उस इंटरेक्शन को जैसे तर्क वितर्क होता रहता है, और जब तर्क वितर्क होता है तो क्या होता है, बुद्धि लगाकर नई चीज ढूंढने की एक जिज्ञासा होती है, प्रयास होता है और ढूंढ लेते हैं। जैसे नवल सिंह की पुस्तक है मॉडर्न एजुकेशन पर जी, दुनिया में कौन सी किताबें बताइए जहां पर आप देखकर ही बता सकते हैं कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, कोई नहीं है। वो रिसर्च हम लोगों ने किया, ये वकील बनेगा, कुंडली देखकर ये बताना आना चाहिए। अब वो किताबें, वो डॉक्टर नवल सिंह की किताब ले लीजिए, इसके अलावा हम लोग अनुवाद हिंदी में भी करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, किताब अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बाकी प्रांतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा तो मैं नहीं जानता। फिर कुछ किताबों का अनुवाद रशिया में भी हो गया, हम लोग रूस गए थे पढ़ाने के लिए। अब रूस में मॉस्को में वो लोग खोलना चाहते हैं भारतीय विज्ञान का एक ब्रांच जहाँ पर ज्योति पढ़ा पाए, इतने बड़े फेम है इसके भारतीय विज्ञान के एस्ट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट के आज। तो हमने कहा कि अभी रहने दीजिए, अभी यूक्रेन से वॉर हो रहा, वो बंद हो जाए तो उसके बाद सोचिए आप लोग। मैं तो 93 साल का हो गया, अब रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी जब बात करते हैं कोई तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब शुरू मैंने नहीं किया सब कुछ, जब मुझसे पूछते हैं तो मैंने कहा अभी मत जाइए रशिया, यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद खत्म हो जाए तब जाइए, लेकिन डिमांड है। जी 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 सर, जब हम बातें करते हैं जीवन के, आपने जिन 6 चीजों के बारे में बात की, एजुकेशन, करियर, मैरिज, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, इलनेस और डेथ, ये मेजर इवेंट्स हैं जीवन की, तो इनको लेकर कहीं ना कहीं एक स्केप्टिक्स एक भावना रहती है कि अरे ये कैसे हो सकता है, कि भविष्यवाणी हो सकती है या फिर हमारे पंचांग, हमारे जो टिपन बोलते हैं उनको देख करके कैसे बता सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे समझें कि ये फिजिबल है। हम ऐसा खुद पढ़े, खुद देखे, समझ में आएगा कैसे पॉसिबल है। अब यूं कैसे कोई तर्क करे, डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है बीमारी, हम मान लेते हैं उसे, वहां तर्क नहीं करते जी। यहाँ पर एक अच्छा ज्योतिषी जो पढ़ा है, कुंडली देखकर विश्लेषण करके बता रहा है, आप किफ हो जाइए, नहीं मानते हैं तो भी, लेकिन वहां पर आप तर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं आती ज्योतिष जी। तो क्या इतना साइंटिफिक है ये कि सुपर साइंटिफिक है? अच्छा सर, ज्योतिष साइंटिफिक नहीं, सुपर साइंटिफिक है, महाविद्या है ये जी, जी, जी। बाकी सब विद्या छोटी छोटी है जी। मैंने जीवन में, हाँ सर, इतने नए नए सब्जेक्ट पढ़े, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठा ऑल इंडिया, सेलेक्ट हो गया ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में 57 में, रिटायर हुआ जाके 90 में, ठीक है सर। और इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, हाई सर्विस में होने के कारण इतने लोगों से इंटरेक्ट किया जी सर, देखा जितना सब सब्जेक्ट पढ़ के भी सबके आउटलुक छोटा सा होता है, बड़ा नहीं हो सकता, ज्योतिष पढ़ने के बाद आउटलुक अपने आप बड़ा हो जाता है। ये बड़ी बात है सर। आपके चूंकि जीवन में बहुत सारे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं टाइमली भी बहुत सारे भविष्यवाणी की, व्हेन यू लुक बैक सर, तो कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके लिए भी स्टैंड आउट करती हो, आई एम श्योर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो चूंकि आपके लिए रही हो कि हाँ ये तो मैं ये कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ गिनी चुनी ऐसी भविष्यवाणियां जो आपको भी लगता है कि ये बड़ा ट्रिकी सा था या फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा था, ऐसे कुछ ऐसा है कि 1984 में 1984 राजा दिनेश सिंह मकसूद, राजा साहब मकसूदपुर वगैरह पार्लियामेंट के मेंबर्स, पॉलिटिशियन बहुत आते थे मेरे पास, मैं सरकारी नौकरी में था,
तो मैंने कहा कहीं आप नहीं सकता है, आप लोग प्रायोरिटी बता दूंगा घर आए। 1984 मैंने राजा दीनेश सिंह से कहा अक्टूबर 31 नहीं पार होगा इंदिरा गांधी के जीवन में, याद रख लीजिए 1984, और ठीक 31 अक्टूबर को ही मारी गई। अब ये तो पब्लिसाइज नहीं कर सकता, करते मैं जेल में होता। जी 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 सर, प्राइवेटली बता, ये पहले से ही उनके कुंडली में उनका अच्छा, तो कुंडली लेकर उसका संशोधन करके सूक्ष्म कैलकुलेशंस करके बताया जा सकता है। अद्भुत बात है, बहुत ऐसी 1000 के ऊपर भविष्यवाणियां है मेरी, एक प्राइवेट लोगों को दिया हमने। जी सर, कुछ छपी हुई है, कुछ छपी हुई भविष्यवाणियां वो हैं जो बड़ा विवाद नहीं कर सकती। जैसे तेजी बच्चन आई अपने बेटे की कुंडली दिखाई, 1982 की बात होगी, तो मैंने देखा, मैंने कहा आप सावधान रहिए, आपके बेटे का बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बेटा अमिताभ बच्चन, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ 82 में, अब बच जाएगा, बच गया। लेकिन तो ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां हैं मेरी, कुछ छपी हैं, कुछ नहीं छपी हैं। ज्यादा छाप नहीं सकता था, सरकारी नौकर था, मेरे ऊपर एक्शन हो जाता। जी सर, अच्छा, तो अभी क्या आप अभी भी एक्टिवली इन चीजों को देख रहे हैं, जैसे और मान लीजिए बड़े लेवल पर, जैसे भारत देश की के लिए, अगर जैसे हम न्यू ईयर अब 2024 आ रहा है, ठीक है, उन्नति होगी, अभी झगड़े होंगे, 2024 में झगड़े होंगे, लेकिन भारत फिर भी हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है, स्ट्रांग हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जी सर, लेकिन उसके बनने के पहले जो रोड़े हैं वो रोड़े आएंगे, वो झगड़े होंगे, कुछ मौतें होंगी, क्या करिएगा, इनेविटेबल हिस्टोरिकल। जी सर, ये बड़ी बात है। तो क्या ये भी भविष्य में दिख रहा है कि भारत से जो टुकड़े अलग हो करके अलग अलग देश बन गए, क्या वो सब भी एक? हाँ, वो आ सकते हैं, मैंने इसमें ज्यादा वर्क नहीं किया, पाकिस्तान आ सकता है मिलने। अच्छा अच्छा, बढ़िया सर। तो और जो मौजूदा सरकार है, चूंकि अगले साल चुनाव भी हैं, तो इनका भी कुछ ऑब्वियस आपको यही यही आए, मोदी जी आएंगे। जी जी सर, जी सर। और देश में प्रजातंत्र की स्थिति को लेकर के, कि बहुत बार प्रजातंत्र अपने आप में अच्छा रहेगा, हिंदुत्व का राइज हो रहा है, वो हो क्या रहेगा। जी सर, राम जन्मभूमि, और सर शिव जी का जो है बनारस में, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ ने यहाँ पर जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि सब आ जाएगा, पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपके जीवन में जो है, आपने खुद जो है, आपने मेंशन भी किया भी कि आपने अपनी माताजी से सीखा, वो उन इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि जब आपने इतनी सारी महिलाओं को भी सिखाया है, तो एक जरूर ये विधा जो है देश में विदेशों में आगे बढ़ रही है आपके इन पहल से, और आपकी मैं अमेरिका गया पढ़ाने, इतने बार पढ़ाया, रशिया गया, अमेरिका में और कहीं बढ़ रही हैं आगे ज्योति पढ़ाने के लिए, ज्योति शक्ति भी 80% तो औरतें हैं अमेरिका में, एस्ट्रोलॉजर्स 20% वो है खोल रखा है। तो मैं ये देखता हूँ औरतों में इंट्यूशन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, बिना डरे निर्भीक होकर ज्योतिष करे तो बहुत अच्छा कर लेती है औरतें। खैर, तो मुझे मेरी माता जी कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ज्योतिष में बैठती थी,
तो मैं पढ़ता समझा तुम कर दोगे, मैंने कर दिया। जब किया तो उसका माता जी थोड़ा और सिखाया, फिर थोड़ा और सिखाया, करते 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 माता जी से मैंने बहुत से राज सीख लिए। हमारी माता जी प्रश्न कुंडली में इनके बराबर दुनिया में हमने किन्हीं को देखा ही नहीं। अच्छा। जैसे हमारे भाई का लड़का सर, वो खरगोश पालता था, एक दिन घर आ देखा खरगोश नहीं दिख रहा है तो रोने लगा, भागा इधर गया उधर गया, तो हमारे माता जी के पास जाके उसने पूछा कहाँ हमारा खरगोश। माता जी ने प्रश्न कुंडली लगाया, कहने लगे इस दिशा में जाओ, वहां पर जल्दी से बच्चे बचा लो नहीं तो कुत्ता मारेगा उसे। तो देखा देखा वहां पर एक गराज के अंदर खरगोश था और कुत्ता उसको झपट रहा था, इसने बेचारे कुत्ते को लेकर आया। सबसे बड़ी परीक्षा उनकी ये थी, मुरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह दिया जयप्रकाश बाबू के नेक्स्ट डेथ हो गई जसलोक अस्पताल बॉम्बे में। तारीख थी 22 मार्च 1978 होगा। हाँ जय सर, जयप्रकाश नारायण जी सर। तो सब जगह शोक छा गया। हमारी माता जी बैठी थी ना, 22 मार्च हमारे भाई के लड़के का जन्मदिन है तो वो सब अरेंज कर रहे थे। रोक लिए माता जी का, क्यों रोक लिया? कहने कैसे करेंगे सेलिब्रेट, जयप्रकाश नारायण की डेथ हो गई। माता जी ने प्रश्न कुंडली लगाया, यानी कि डेथ नहीं हुई है। अच्छा, अब ये बड़ी आपको सिचुएशन पार्लियामेंट में मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है कि डेथ हो गई और माता जी का नहीं, डेथ करो सेलिब्रेशन होगा, तो पागल हो गया समझा। दो घंटे बाद मुरारजी देसाई के अपॉलोजी आए, सॉरी डेथ नहीं हुए, वो जिंदा है। ये पेपर में छपते हैं हमारे प्रेडिक्शन। अरे तो इतने एक्टिवेट हो रहा है माता जी को, तो अद्भुत प्रेडिक्शन करते देखा, तो उसके बाद ज्योतिष में बहुत कन्विंस हो गया। जी जी जी, हो गया। मैं जब ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठा जी, उसके बाद मैंने पूछा माता जी से, माता जी का तुम सेलेक्ट हो जाओगे और उत्तर दिशा में यहाँ पे पहाड़ है वहां जाओगे। मैंने कहा क्या मतलब? मैं यस शिमला, शिमले में ट्रेनिंग स्कूल हमारा इंडियन सर्विस। तो जब घर में देखी तो मुझे ज्योतिष में विश्वास तो 100% है जी, हमारी हो सकती है, विद्या की नहीं है, कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। तो सर अभी भी कुछ चीजों अभी देखते हैं कुंडली वगैरह, या फिर अब आप मैं रिटायर हो गया, तिरानवे साल का हो गया सर, बहुत है 93 साल। ओके, तो आपके जो शिष्य हैं और जिस तरीके से आपने भारतीय विद्या भवन को एक गढ़ सा बना दिया है इतने साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, तो आम जनता इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि भागदौड़ आपने कहा कि खुद से पढ़िए, वो तो सब चाहेंगे लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो किस तरीके से हम इसको, आपकी जो निस्वार्थ सेवा है उससे जनमानस की भलाई के लिए उसको कैसे उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ विचार अगर आपके हो? नहीं, वो सब मैंने कुछ नहीं सोचा है, भगवान की इच्छा जो होना हो कर रहेगा, अपने आप फैलेगा। अच्छा, फैलेगा ही। अच्छा, तो इसको लेकर के भी कोई कुंडली बनी थी क्या, कि जो डॉक्टर केन राव इंस्टीट्यूट है ऑन एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन में, उसकी अपनी भी कुंडली आपने कभी देखी संस्थान की? हमने नहीं देखी, नहीं। उस समय शुरू करते समय तो बहुत से डाउट थे मन में, क्या होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सब नहीं देखा। उसके बाद होने के बाद थोड़ी सी कुंडली बना के देखी, हमने कहा समस्याएं आएंगी लेकिन सफल हो जाएगा। अच्छा सर,
सर इस पर आपने बहुत सारे पेपर भी लिखे हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से इस चीज पे आपके विचार थोड़े जानना चाहूंगा। काल सर्प दोष करके होता ही नहीं, काल सर्प होता ही नहीं। तो गुजरात में जब मैं था अहमदाबाद में, मेरा ज्योतिष से झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये किस ग्रंथ में है, ये पैसा कमाने के लिए डराते ही कर रहे हो, ये किस ग्रंथ में है, ये कहीं नहीं। अच्छा, मार्गरेट थैचर सर इंग्लैंड के दो बार प्राइम मिनिस्टर रहे, पावरफुल वुमन जी सर, उसके कुंडली में दिखाने का दो हुआ है, पूरा तुम लोग का काल सर्प जो है इसमें क्या हुआ, दुनिया इस औरत के पांव से झुकाती सर, क्या बकवास है। नेहरू हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बकवास है ये सब, पैसा कमाने का डरा डरा के कमा रहे पैसा, तो यही हो रखा है सर, दुश्मन हो गए वो सब जो चाहिए मेरे दुश्मन हो गए। मैंने कहा हुआ करे, लेकिन जनता का भला तो होगा जानकर। यूट्यूब में आप देखेंगे मेरे चार पांच हैं जो मैंने आज तक में जब ज्योतिष का मैं प्रोग्राम करता था उसमें मैंने दिखाया था कि काल सर्प योग होता ही नहीं, बताइए। और यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा को लेकर के कितनी कितनी विधियां जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, बहुत डराते हैं। कैसे नहीं डरे इससे, क्योंकि भविष्य की अनसर्टेनिटी तो रहती ही है, और ऐसे में आपने बहुत अच्छे से जिन टॉपिक की बात की, एजुकेशन, करियर, मैरिज, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, इलनेस, डेथ, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो इनको बारे में कोई अगर प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो आम इंसान इनसे कैसे डरे नहीं, इसके ऊपर कभी आपके ऐसा है, धीरे 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 डर दूर हो जाता है। अच्छा, इसलिए करते करते डर दूर हो जाता है, ऐसा नहीं कि आदमी डर के कायर बन जाता, ऐसी बात नहीं है, कायर नहीं बनता। तो ये जो प्रेडिक्शंस होते क्या ये प्रारब्ध को दिखाते हैं, और है प्रारब्ध है ये। अच्छा, जन्म जन्म के किए कर्म उसका एक भाग, संचित कर्म का एक भाग हमको मिलता है प्रारब्ध बन के जीवन में, वही इस जीवन हम भोगते हैं, वही हमारी कुंडली है। तो ऐसे में अपना फ्री विल जो होता है एक तरीके से, जो कर्म योग की बात हम जो कहीं ना कहीं भगवद गीता से सीखते हैं कि मेहनत करो, तो उसका कितना फिर रोल रह जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने इसको अच्छी तरह समझाया, एक गाय है उसको आपने खूंटे से बांधा सर, वो रस्सी जितनी दूर गाय को जाने दे उतनी ही सिर्फ फ्री विल है उसके पास, बाकी सब प्रारब्ध है। अच्छा, वो ठीक, बहुत अच्छा लगा हमको। जी जी जी, तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मेहनत करो और साथ में भविष्य अपने बिल्कुल करो, सच्चाई से मेहनत करो फल मिलेगा ही, सच्चाई से मेहनत करने पर फल मिलता ही है, क्या 40% मिले, 50% मिले, 80% मिले, 100% मिले, लेकिन मिलेगा। तो मेहनत ही तरीका है जीवन जीने का। बढ़िया सर। अच्छा, मंगल दोष भी एक चीज है सर जो बहुत फेमस रहता है। ठीक है, मंगल दोष होता है एक उम्र तक ज्यादा काम नहीं, 28 साल के बाद मैंने देखा मंगल दोष ज्यादा काम नहीं करता, उसी के पहले। अच्छा, मंगल दोष एक की कुंडली में, दूसरे के कुंडली में मंगल दोष बराबर हो गया। और एक शनि की 7.5 एक बहुत बड़ा विषय लोग जो है उसको बारे में, 7.5 में ही आदमी उन्नति करता है। अच्छा, ये तो जनरली परसेप्शन है कि उल्टा होता है, तकलीफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने, मैं 7.5 में सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज में कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे 50,000 लोग बैठते हैं और 200 लोग सेलेक्ट होते हैं, उन 200 में था मैं, इन्हें गिने लोगों में। ऐसी कोई बात नहीं, 7.5 साल बहुत होते हैं, उसमें जीवन पलट जाता है, नई चीजें करते हैं आप। ठीक है, 7.5 साल में दुख भी होता है, घर में कोई मृत्यु भी होती है, ये तो होता रहता है। 7.5 साल छोटी अवधि नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड है जी सर, लेकिन इससे डरना क्या है।
सर, बहुत बढ़िया सर। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करके हम सब जो है इसको एज अ साइंटिफिक स्टडी अगर करें तो कहीं ना कहीं डर भी कम होगा, ऐसा मत आपका भी प्रतीत होता है सर। तो सर तो थैंक यू वेरी मच इस इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।